अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस फ्रॉक के बाजू की कटिंग और स्टिचिंग आज दोनों सीखेंगे। इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग मेरे चैनल पे पहले से मौजूद है, आप वहाँ से देख के सीख सकते हैं। ये बाजू है इसका, इसको सीखना है आज हमने। इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों सीखेंगे। अब ये एक पेपर लेंगे, ऐसे डबल इसको ऐसे रखेंगे। इसकी लंबाई है 21 इंच और बाजू की चौड़ाई रखेंगे शर्ट के हिसाब से। अब यहाँ से कंधे का साइज लेंगे, तो ये है हमारा 9.5 इंच। अगर 9.5 इंच है तो 1 इंच रखेंगे कम यहाँ से, तो लेंगे 8.5 इंच। यहाँ से लेंगे 8.5 इंच और यहाँ से लेंगे 3.5 इंच। और यहाँ से भी लेंगे 3.5 इंच। अब सीधा कर लेंगे और यहाँ से भी लेंगे 8.5 इंच। अब ये वाला निशान जो 8.5 वाला और ये वाला, इसको सीधा कर लेंगे ऐसे। अब इसका सेंटर पॉइंट लेंगे, ये देखें ये पूरा 9.5 इंच आया है ये। इसका सेंटर कर लें और स्केल को ऐसे घुमाएं। और इसी को ही ऐसे घुमा के ले जाएं ऐसे। और ये वाला जो निशान है यहाँ पे रखें। अब इससे 1/2 इंच बाहर को जाएं यहाँ से, 1/2 इंच बाहर को जाके इसी को फिर ऐसे घुमा लें। और इस निशान तक गुलाई दे दें और यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा निशान लगाएं ऐसे। अब इसका हाफ कर लें। ये आगे से बेल है और कुछ लोगों को समझ ही नहीं आती, वो यहाँ से कर लेते हैं, कोई यहाँ से करता है। इसका आसान तरीका ये, इसको ऐसे सैद करें और ऐसे निशान लगाएं। और हाफ आ रहा है इसका 10.5 इंच, यहाँ से भी 10.5 इंच पे निशान लगाएं और इसको सीधा कर लें ऐसे। और यहाँ से जितनी आपने फिटिंग रखनी है उतनी रखें अपने हिसाब से। मैंने यहाँ से रखनी है 6.5 इंच। अब ये स्केल लेंगे और यहां से रखेंगे और यहां तक ऐसे कटिंग करेंगे और फिर इसको ऐसे हल्का सा ऐसे घुमा लें ये बाजू का निशान लग गए। अब आपने इधर से सीधा रखना है तो सीधा रख लें। मैंने इसको करना है हल्का सा गोल जैसे अम्ब्रेला फ्रॉक होता है। यहाँ से मेरा आ रहा है 21 इंच, तो यहाँ पे भी मैं 21 पे निशान लगाऊंगी अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले करेंगे कटिंग ये वाली बार वाली। अब थोड़ा सा मार्जिन रखेंगे तकरीबन 1.5 इंच। अब यहाँ से करेंगे गोल। ये मेरी पूरी कटिंग होगी।
अब ये वाला जो फ्रंट वाला है इसको छांटेंगे यहाँ पे कट लगाएंगे। अब यहाँ पे भी कट लगाएंगे, यहाँ पे भी ऐसे। ये हमारा फ्रंट वाला, ये हमारा बैक वाला। ये बाजू मैंने पहले से काटा हुआ है। ये देखें, अब इसकी सिलाई करते हैं। अब ये जो अंदर से हम लोग बाहर से हम लोगों ने गोल किया है, इसके नीचे ऐसे डबल कपड़ा रखेंगे फोल्डिंग। और इसको भी गोल कर लेंगे। अब इसको उठा लें, अब 2.25 इंच पे निशान लगाते जाएं। ऐसे अंदर से भी छांट दें। अब इसको उठाएं, जैसे ये मैंने पहले ऐसे लगा रखा है। ऐसे इसके ऊपर रखें, इधर से सिलाई दे दें और अंदर से ऐसे फोल्ड कर दें हल्का सा। ऐसे इधर से फोल्ड नहीं करना, ऐसे सीधा सिलाई करना है और इधर से फोल्ड कर दें और इस तरह पट्टी तैयार कर लें। अब ये पट्टी तैयार करने के बाद इस तरह की एक सीधी पट्टी लें और 2-2 इंच के ऐसे पीस निकाल लें और ऐसे प्रेस के साथ उठाते जाएं, प्रेस करते जाएं और इस तरह काफ़ी सारे ये तैयार कर लें। अब इसके बाद ये बॉर्डर को काट लें, अलग अलग कर लें इस तरह। बॉर्डर काटने के बाद पट्टियाँ अलग करने के बाद ये फैब्रिक ग्लू लें और इसको रखने का तरीका भी ऐसे लगा के इस्तेमाल करके इसको ऐसे रखते हैं। इस तरह इसको सारी लगा ले, बिल्कुल किनारी पे लगानी है। अब ये अंदर की तरफ इसको रखते जाएं ऐसे, इतना सा छोड़ लें सिलाई के लिए। ऐसे सबको जोड़ लें। ऐसे सारे जोड़ लें। अब ये सारे लगाने के बाद आप इसको 2-4 मिनट सूखने दें, गीले के ऊपर मशीन नहीं चलाएं। जैसे अब ये सूख गया है, अब ये पट्टी लेंगे, इसको रखेंगे इसके ऊपर ऐसे, एक पाँव के मार्जिन से इसके ऊपर सिलाई कर लें। अब ये सिलाई करने के बाद इस तरह सीधा कर लें और ये सीधी तरफ इस कपड़े के ऊपर ये किनारी पे सिलाई ले आए इधर ऐसे। ये किनारी पे सिलाई लगाने के बाद इसको ऐसे सीधा कर लें, ऐसे किनारी पे सिलाई लगाई और इसको ऐसे सीधा करके प्रेस कर लें, इधर से भी प्रेस कर लें और इधर से भी प्रेस कर लें। प्रेस करने के बाद इसके ऊपर ये पट्टी लगा दें वाइट नलकी के साथ ऐसे। उसके बाद अगर आपके पास 2 बॉर्डर वाला है डिज़ाइन है तो यहाँ पे रोक दें, अगर 3 बॉर्डर वाला है तो ये लगाएं उसके बाद ऐसे। इसके ऊपर ब्लैक नलकी, इसके ऊपर वाइट नलकी और इसके ऊपर रेड,
मैरून ऐसे सिलाई कर लें और इसको यहाँ से ऐसे फोल्ड करके ये तैयार हो जाएगी। अब ये सिलाई करने के बाद इस तरह हो जाएगा। अब इसको कर लें प्रेस अच्छी तरह। अब इसकी फोल्डिंग करें इस तरह। अब इसके बाद यहाँ पे 8 इंच पे निशान लगाएं और यहाँ पे 6.5 इंच पे और यहाँ पे 9.5 इंच वाला जो कट लगाया हुआ है ऐसे, इसको ऐसे रखें। इस तरह दोनों बाजुओं पे निशान लगा लें, इसकी शेप अच्छी आएगी। अब इसके ऊपर सिलाई कर लें, यहाँ से हल्की सी गुलाई दे दें। ये सिलाई करने के बाद इसको हल्के हल्के कट लगाएं और इसको सीधा कर लें। अब सीधा करने के बाद कट लगाने से ये फायदा होता है, छोटे छोटे कट लगाने हैं, ये आसानी से बैठ जाएगा यहाँ से। अब ये देखें, ये सारे जोड़ जो है ना आपस में मिलने चाहिए, आगे पीछे नहीं होने चाहिए। अब ये जो है इसको अगर ऐसे छोड़ेंगे इस तरह पहनने के बाद ये नजर आएगा और बुरा लगेगा। इसको फिर उल्टा करें। अब इसको ऐसे पकड़ें, ऐसे करें और ऐसे तरपाई कर लें इस तरह। अब तरपाई करने के बाद ये देखें, इस तरह तैयार होगी। अब इसको लगा लें, कमीज के साथ जोड़ लें।